राम राम शरण भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। आप कपास में गोमूत्र छाड़ने की तैयारी कर ही रहे नहीं? हाँ, अभी पानी गिरिया करो बहुत दिन से, तो अभी पत्ता ककड़िया हुआ वाका होगा कि नहीं, एकाले तैयारी तो करनी चाहिए अभी, बिल्कुल तत्काल व्यवस्था करी करें, अभी पत्ता सीधा हो जाएगा वाका भी रहा। सही बात। हाँ शरण भाई, आप जो गौमूत्र छिड़काव कर रहा है ये काय के लिए कर रहा है? हम एकाले नहीं को इस्तेमाल करा गौमूत्र को, एक पत्ता कोकड़ा हो जाए और छिड़ने से 8 दिन की वजह अपन 15 दिन का अंदर अंदर 2 बार की स्प्रे करी सका, तो ये पत्ता कोकड़ा नहीं होएगा और अपने के खाद का लेने भी पत्ता ना का एक ऐसे खाद को उपचार जो मिल जाएगा अपन का। हाँ भैया, मैं ये बताओ कि आप कसा का को गो मतलब छिड़काव का कसो का गोहा वगैरह करा, जरा आप मैं बताओ। चलो अपन अभी गोहा बनावा, तुम देख ले अपन छिड़काव कराए। हाँ, चलो सरवण भाई, काम गोमूत्र आप छिड़काव कर रहा थे, काम काय का सामग्री लगेगा? गोल बनवा के लेना अपने एकदम आप लगाए, एक पंप के लिए 50 ml गौमूत्र, 15 लीटर पानी चाहिए, उसको हिलाने के लिए लकड़ी चाहिए, छिटकाव के लिए पंप चाहिए छाननी के साथ अपन को। तुम कसा का घोव बनाओगे जरा मैं बताओगे तुम? हाँ बता दे आगे नहीं, जरा बताओ आप कसा का करो घोव। मार जा गयो माप छे तो एक से माप पी के डाली रोयो, तो यो 10 ml को छे। हाँ। तो 5 बार डालोगे तो 50 ml हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने 5 बार डाल दी। हाँ। अभी एक यहाँ इस यहाँ रखो। हाँ। अभी एक ऐसी लकड़ी से हूँ एक घोल बने रोज, क्यों ये लकड़ी हिलाने से क्या हो जाएगा? एक ऐसे मिक्स हो जाएगा। अच्छा, पानी के अंदर। अच्छो अच्छी अच्छी तरह से मिली, अच्छी तरह से मिली गयो। अब देखो हम अब तुम्हारा सामने डालो। हाँ। वे डाली रोज भाई। हाँ हाँ बिल्कुल डालो ना। ये छिड़काव के लिए कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई। अच्छा, आप गोमूत्र छिड़काव कर रहा है तो यो कितना दिन में करनी चाहिए गोमूत्र, और एक एकड़ में कितना पंप लगी जाए? ये अपन के छिड़काव 8 दिन का अंदर करना, और पंप एक एकड़ का चाहिए तो एक एकड़ पर 20 पंप बैठा। 20 पंप। और अपन छिटी रहेगा से ये पत्ता कोकड़ा भी रहा, एक कारण अपन जो काम ज्यादा अपन का लाभ है।